कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की 25 नवंबर को पुष्कर के मेला मैदान में होने वाली आम सभा को लेकर सुरक्षा एजेंसीज और कांग्रेस के नेता तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। जहां एक ओर एसपीजी के अधिकारियों ने दिन भर पुष्कर में डेरा डाले रखा, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कंपनी मामलात मंत्री सचिन पायलट ने भी सभास्थल का जायजा लिया। एसपीजी के अधिकारियों ने मोतीसर गांव में बने हेलीपैड सहित मेला मैदान का निरीक्षण किया, साथ ही उन मार्गों का भी निरीक्षण किया जिनसे होकर राहुल गांधी का काफिला निकलने वाला है। एसपीजी अधिकारियों ने सभास्थल में मंच सहित अन्य विषयों पर बारीकी से अध्ययन किया। इसके अलावा मेला मैदान के पास ही राहुल गांधी के दो हेलीकॉप्टर उतारने के लिए अस्थायी हेलीपैड बनाने का काम शुरू हो गया है। सचिन पायलट का हेलीकॉप्टर मोतीसर गांव में स्थित हेलीपैड पर उतरा, यहां से उन्होंने सभास्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। पायलट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने जो विकास की गंगा बहाई है उससे जनता में कांग्रेस के प्रति उत्साह है और जनता एक बार फिर कांग्रेस को मौका देगी। पच्चीस तारीख को राहुल गांधी जी आएंगे और पुष्कर में अजमेर संभाग की एक सभा को एड्रेस करेंगे। हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, सब उत्साहित हैं। आज भी इसी काम के लिए मैं यहां पर आया हूं। अजमेर पुष्कर में कार्यकर्ताओं की मीटिंग हम ले रहे हैं। सारे प्रत्याशी हमारे 25 तारीख को यहां पर एकत्रित होंगे और राहुल जी काफ़ी समय के बाद अजमेर आ रहे हैं, पुष्कर में सभा करेंगे। जिन जिलों में मैं गया हूँ मुझे लगा बहुत बेहतर माहौल है और जितनी सीटें पिछली बार कांग्रेस पार्टी की आई थी उससे कहीं ज़्यादा इस बार हम लोग लेकर सरकार बनाएंगे। खासकर भरतपुर, करौली, जयपुर, इन सब जिलों में आज मैं गया था। न सिर्फ प्रत्याशी जो हमारे आश्वस्त हैं लेकिन जो आम मतदाता है, जो कांग्रेस का समर्थक है, सब लोग बढ़ चढ़कर आज कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने के लिए